कोलकाता में अगर कोई आए तो प्लीज ट्राई करना। एज यूजुअल टेस्टी और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसलिए क्योंकि मुझे एक खाने की दुकान पे जाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोलकाता की स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, तो हम स्ट्रीट फूड के लिए जाएंगे और हमारे यहाँ पे मिलते हैं बहुत अच्छे स्ट्रीट फूड का दुकान है, वो चलिए। और जो लोग मुझे पहले से जानते हो उनको पता है कि मेरा पार्लर है और मेरे पार्लर के एकदम नजदीक है वो कॉर्नर, फूड्स कॉर्नर जो है वो बिल्कुल नजदीक है। तो पहले तो भाई मेरे यहाँ पे सामने ही बैठा था, यहाँ पे बैठते थे, ये जो पीछे है यहाँ पे बैठते थे, लेकिन अब उसने वो दुकान ले लिया है, अब दुकान ले लिया और वहाँ पे जाके वो अपना दुकान शुरू किया है, मतलब वहाँ पे एक फूड कॉर्नर बना लिया है। रहिए चलिए मैं चलती हूँ उस दुकान में, और जहाँ के खाना बहुत ही अच्छा बनता है, वहाँ पे कीमा पराठा तो बहुत ही फेमस है, उसका सिग्नेचर डिश है। और मेरे साथ में है मेरी मौसमी की लड़की, थोड़ा मास्क उतार देते हैं उसका, तो चलिए मैं चलते हैं खाना खाने के लिए। के काउंटर और सामने है मेरे डीएस मकानन की काउंटर, और यहाँ से हम लोग खाने वाले हैं कीमा पराठा, इसका सिग्नेचर डिश। क्या मिलता है, मतलब कि क्या मिलता नहीं, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग को क्या खाने का मन करता है वो ही हम आज खाएंगे। হিন্দিতে করি ঠিক আছে। আচ্ছা
तो हेलो, अभी मैं घुस गई हूँ इनके फूड काउंटर के अंदर और जहाँ पे भाई हमारे काम कर रहे हैं। और इस भाई को हम आज से नहीं जानते, मतलब जिस दिन से तुम्हारा दुकान खुला है उस दिन से मैं जानती हूँ। सही है, राइट? अच्छा, तो ये भाई, हाँ, 5 साल हो गया, 5 साल से ऊपर हो गया, तो 5 ईयर्स कम्प्लीट हो गए इस भाई का काम करते हुए। मतलब ये फूड काउंटर खोला है और बहुत मेहनत की उन्होंने। तो पहले जैसे मैंने कहा था कि बाहर था, लेकिन अब उन्होंने दुकान में शिफ्ट कर दिया। और ये देखिए भाई अभी बना रहे कीमा पराठा। ये बहुत हार्डवर्किंग है और इसके साथ साथ बहुत स्टाइलिश भी है, बहुत हैंडसम भी है मेरे भाई ये। आप हेयर कलर देखो इनका, आज ही मैंने नोटिस किया इसने हेयर कलर ऐसा किया है। लेकिन पहले जो इसका टैटू, मैंने मुझे पता था ये टैटू किया है और ये टैटू कर भी सकते हैं, तो बहुत स्टाइलिश भी है मेरा ये भाई। और ये इसका फूड, मतलब इसका कीमा पराठा तो बहुत ही अच्छा है। और भाई और कुछ बोलना है? कैसा काम चल रहा है आफ्टर लॉकडाउन और आफ्टर ये सब वायरस के बाद? लॉकडाउन थोड़ा तो गया, खराब गया, सबका जा रहा है अभी, मालूम नहीं क्या होगा। सब अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के चलिए, कभी कभार आइए, टेस्ट करके जाइए कैसा खाना है, देखिए। सुपर है, मैं तो बहुत दिनों से खाती हूँ, जैसे मेरा 5 साल हो गया है और मैंने आज इनको शूट कर लिया, ब्लॉग में डालूंगी। इसके वजह से मेरे पास पहले से इसका टेस्ट है कि ये कैसे बनाते हैं, क्या बनता है यहाँ पे। तो एनीवे चलिए, और भी मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे शॉर्मा, और क्या ऑर्डर किया है, कीमा पराठा। ठीक है, तो हम दोनों खाते हैं और खाने के बाद हम बोलेंगे कि सिर्फ लिए बाय। और भाई को भी काम करने देती हूँ, नहीं तो भाई का भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं इनके किचन से निकल जाती हूँ। ओके, बाय बाय। साथ भी है, मैं दिखाती हूँ, ये है वो लाजवाब कीमा पराठा। ये बहुत फेमस है इस जगह का और इसका सिग्नेचर डिश भी है। मैं 5 साल से इसको, 5 साल पहले से ये स्टार्ट किया था कीमा पराठा, और बहुत फेमस है यहाँ का। तो चलिए ट्राई करते हैं अभी। टेस्ट मुझे पता है और अभी ट्राई करूंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सुपर टेस्टी, जैसे मैंने कहा था कोलकाता में अगर कोई आए तो प्लीज ट्राई करना ये कीमा पराठा, सच में बहुत टेस्टी बनता है। और हमारे घर के बच्चे जो है वो एक खाने से उनका मन नहीं भरता, पेट भर जाए, पेट भले ही भर जाए लेकिन उन लोगों का मन नहीं भरता। ये कीमा पराठा दो नहीं खाते तो बच्चे लोगों का मन नहीं भरता है, तो बहुत मतलब। तो आपके बिल्कुल ट्राई करना, कभी भी कोलकाता आना, या दो लोग कोलकाता में रहते हो या बाराशर के नजदीक रहते हो या बाराशर आते हो, तो प्लीज 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 ट्राई करना ये कीमा पराठा। और मुझे शर्मा खाना अभी भी बाकी है, वो भी मैं खाऊंगी, थोड़ा सा ट्राई करूँ, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ट्राई करूँ। और यहाँ पे वो भी खा रही है, अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। जो भी आपको प्लीज ट्राई करना, ये मैंने पहली बार आज खाया है। जैसे कीमा पराठा मैं यहाँ का खाती हूँ, जैसे पहली बार ट्राई किया, ऑसम। मैंने जो ये शॉर्मा खाया इसका प्राइस है 80, और जो हमने कीमा पराठा लिया था उसका प्राइस है 47, और मोमो है 60-65, और चिकन सलाद जो है वो है 150-199 and 200 अबाउ। तो ठीक है, 80 रुपीज का ये जो शॉर्मा खाया, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा लगा। तो आज यहीं से खा के जाती हूँ घर में। तो आज की ब्लॉग यहीं तक, तो मिलती हूँ फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक की बात आए।